तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है रूरल इंडिया एकेडमी। मैं हूं आपका दोस्त क्रिकेट बड़ी फलेंद्र प्रजापति। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे हाथ में एक बड़ा लंबा सा चौड़ा सा प्रोडक्ट आ चुका है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। हम ये वीडियो जो कंपनी का जो गेस्चर है उसको देख कर बना रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। हमने उस वीडियो में रिव्यू करके बताया था पैड्स के बारे में, तो आज का भी वीडियो जो है वो पैड्स के बारे में ही है। हमारा जो पैड है प्रोटोस का वो आ चुका है रिप्लेस होकर। हमने कुछ महीने पहले ही यहाँ पर जो वीडियो आ रहा है दोस्तों, उसमें प्रोटोस का जो पैड है उसको रिव्यू करके बताया था कि कैसे प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो ख़राब थी, साथ ही साथ जो वेलक्रूज थे वो भी निकल रहे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो उस वीडियो को देखकर डायरेक्ट जो स्पोर्ट्स कंपनी थी, प्रोटोस की जो स्पोर्ट्स कंपनी थी, उसके जो सेल्स मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर हैं उन्होंने हमसे संपर्क किया। हमने कोई भी उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन उन्होंने हमको संपर्क किया और उन्होंने डायरेक्टली हमको पूछा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं पैड में। तो हमने उनको सारी जो चीज़ें थी उसको एग्जैक्टली फॉर्म में बताई कि क्या प्रॉब्लम्स थी। तो उन्होंने हमारे प्रॉब्लम्स को समझा और बहुत ही अच्छा गेस्चर लिया दोस्तों। आपको बता दूं कि उन्होंने हमको साफ साफ कहा कि आप हमें अपना जो प्रोडक्ट है जो आपने बाय किया है उसको रिप्लेस कर दीजिए, हमारे तक कुरियर के थ्रू भिजवा दीजिए। हमने वैसे किया, उनको कुरियर के थ्रू भिजवा दिया और हमको अब जो नया प्रोडक्ट है DTDC के द्वारा हमारे घर में आ चुका है। तो चलिए जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि जो पैकेजिंग है उससे ही पता चल जाता है। जैसा कि हम हर वीडियो में बोलते हैं आपको, पैकेजिंग से जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो काफ़ी लंबा चौड़ा इसका जो पैकेजिंग है वो दिया गया है ताकि अंदर का जो प्रोडक्ट है वो सेफ रह सके। तो हमने इसको देखने के लिए पहले से ही ओपन कर दिया था, लेकिन अभी तक हमने अपने जो न्यू पैड्स हैं जो कि हमको प्रोटोस द्वारा भेजे गए थे जालंधर से, ये जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास आया है, देख ही सकते हैं। अभी तक हमने इसका अनबॉक्सिंग नहीं किया है और काफ़ी अच्छा उन्होंने गेस्चर जो मूव है वो हमारे लिए दिखाया, बहुत ही अच्छा मूव था मैं ये कहूँगा। वो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोटोस स्पोर्ट्स आपका कि आपने एक छोटे से चैनल को, जब हमारे पास सब्सक्राइबर भी नहीं थे तो हमने एक वीडियो बनाया था, आपने हमारी परेशानी को समझा और बहुत ही अच्छा मूव लिया और इस प्रोडक्ट को हमारे तक हमारे हाथ में भेजा, इसके लिए बहुत ही बहुत शुक्रिया। आप बहुत ही तरक्की करेंगे ऐसा मुझे लगता है और मुझे उम्मीद है पूरी पूरी कि आप ऐसे ही कस्टमर का ख्याल रखेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि ये जो प्रोडक्ट है हमको बाय रिप्लेसमेंट मिला था, इसके पहले हमने एक और पैड लिया था तो उसी के रिप्लेसमेंट में हमको ये जो नया प्रोडक्ट है वो मिलता है। तो जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और पहले से ही मैं आपको बता दूं कि ऊपर में यहाँ पर फोम का प्रोटेक्शन दिया गया है और मैं रिव्यू के साथ साथ कंपैरिजन भी करूँगा कि पुराने पैड में क्या जो खामी थी उसको दूर किया गया था। एक बात और बता दूं दोस्तों कि जब हमसे संपर्क किया था वहाँ के सेल्स मैनेजर ने, तब उन्होंने हमको साफ साफ बताया था रिप्लेस करते वक्त कि जो आपने पहले जो प्रोडक्ट लिया था वो 8 से 10 साल पुरानी थी और वो जो प्रोडक्ट है अब मार्केट में नहीं बिकती, साथ ही साथ प्रोडक्शन करना भी अब उस पैड का बंद हो चुका है। तो जिसके चलते हमको नया पैड मिला, तो ये बहुत ही अच्छा साइन लगता है मुझे किसी भी कंपनी द्वारा। आप कभी भी कोई भी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो बाय करते हैं और आपको रिलायबिलिटी यदि मिलती है आप निश्चित तौर पर उस पर बिलीव कर सकते हैं। तो जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग कर दिए देते हैं हम। मैं इसके ऊपर का जो फोम है उसको हटा देता हूँ, तो पहले लुक में कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहा है दोस्तों। इसके ऊपर के प्लास्टिक पैकेज में यहाँ पर ब्रांड दिया गया है प्रोटोस का, साथ ही साथ यहाँ पर प्राइसिंग भी दी गई है 3999 की। इससे पहले जो हमने प्रोटोस का पैड लिया था वो अराउंड 2000 के था, 2000 के आसपास था, तो हमको 2 गुना जो ज़्यादा कीमत में जो प्रोटोस ने हमको ये पैड भेजा है, एक छोटे से चैनल को, एक छोटे से इन्फ्लुएंसर को इस प्रकार का प्रोत्साहन देना मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा मूव है प्रोटोस के द्वारा। आप ऐसा ही तरक्की प्राप्त करते रहिए। जल्दी से इसको हम कर लेते हैं अनबॉक्स, यहाँ पर दिया गया है अलग से इसके धागे को खोलने के लिए ताकि प्रोडक्ट जो है, ताकि पैड्स जो हैं वो प्रोटेक्ट रह सके। आप कभी भी इसको किड बैग में आप वेरी कर सकते हैं। एक बात और बता दूं दोस्तों कि जो सेल्स मैनेजर हैं उन्होंने हमको कहा था कि थोड़ी सी हवा लगनी ज़रूरी रहती है, जब कभी भी आप इसको प्ले करते हैं तब पैडों में जो पसीना जो रह जाता है उसको सुखाने के लिए, तो हवा देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है दोस्तों। तो आप देख ही सकते हैं कि पहले लुक में कुछ इस प्रकार का नज़र आ रहा है। मैं बैक को भी आपको शो करता हूँ, दोनों ही पैड के बारे में आपको बता दूँ तो बैक कुछ इस प्रकार का नज़र आ रहा है। अलग से नी प्रोटेक्शन सिस्टम दिया गया है यहाँ पर, जैसे कि हमने बताया था
अलग से नी प्रोटेक्शन सिस्टम दिया गया है, और मैं छू के बता सकता हूँ कि यहाँ पर अलग से प्लास्टिक अंदर में अप्लाई किया गया है ताकि बिल्कुल भी आपको नी को जब कभी भी बॉल लगे तब आपको हर्ट ना करे। उस वे से आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा पैड नज़र आ रहा है पहले लुक में, और इसके वेलक्रूज तो काफ़ी अच्छे हैं। इस चीज़ का हमने पहले भी बताया था कि वेलक्रूज फट रहे थे, जिसके चलते यहाँ पर अलग से सिलावट दी गई है। साथ ही साथ दूसरे वेलक्रूज की मैं बात करूँ तो यहाँ पर अलग से इसका जो प्रोटेक्शन होता है नीचे का, क्योंकि जो फटना चालू होता है किसी भी पैड, कोई भी पैड तो नीचे से ही फटना चालू होता है, यहाँ से फटना चालू होता है, जिसको प्रोटोस कंपनी ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया और यहाँ पर अलग से उसको प्रोटेक्शन दिया है, सिलाई भी दी गई है, जिसके चलते आप इसको बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि ये जो प्रोडक्ट है वो खराब होने वाला है और फटने भी वाला है। तो इसके नीचे मैं बात करूं तो फिर से अलग से यहां पर सिलावट दी गई है, साथ ही साथ प्रोटेक्शन दिया गया है। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लग रहा है पहले ही क्वालिटी में। दोस्तों देखिए पीछे भी आपको प्रोटोस की ब्रांडिंग दी गई है। अगर मैं आगे की बात करूं दोस्तों तो कुछ इस प्रकार का नजर आ रहा है। पहले लुक में आप देख सकते हैं कि यहां पर अलग से जो पाइप की जो सिलावट होती है वो भी दी गई है, ताकि यहां की जो फैब्रिक कॉटन है वो ना निकले। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब हमने बताया था कि पुराने वाले पैड में कि यहाँ पर हम लोग जब स्क्रैच कर रहे थे तब ऊपर के जो लेयर्स थे वो निकल रहे थे, अभी इसमें आप बिल्कुल भी बोल नहीं सकते कि इसके जो ऊपर के जो रेसेस हैं वो निकल जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा पैड बनाया है प्रोटोस ने, आपको मस्ट बाय करना चाहिए। मैं पूरी तरीके से रिकमेंड करूँगा कि आप प्रोटोस के जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल बाय कीजिए, क्योंकि हमने प्रोटोस के थाई पैड भी बाय किए थे वो अभी तक चल रहे हैं, साथ ही साथ हमने जो पुराना प्रोडक्ट है वो पैड के पैड्स बाय किए थे वो नहीं हमको रिप्लेस करके मिल चुका है। तो देख ही सकते हैं दोस्तों बहुत ही शानदार प्रोडक्ट आया है, लाइट वेट है। हम इससे पहले बास कंपनी के जो पैड्स थे वो उनका रिव्यू किए थे, तो उस पैड के बारे में आपको बता दूं कि उससे भी ज़्यादा हल्के लग रहे हैं मुझे, जैसा कि मैं पकड़ के आपको बता पा रहा हूँ। किसी भी पैड का हल्का होना ज़रूरी है, लाइट वेट होना ज़रूरी है। यदि कोई भी पैड लाइट वेट है आप आसानी से उसमें रन स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों अलग से यदि आपको किसी भी प्रोडक्ट को पहचानना है तो यहाँ पर अलग से ब्रांडिंग की गई है, हॉलमार्क दिया गया है, और जो डिस्क्रिप्शन होती है वो भी दिया गया है कि कौन से मटेरियल से बना हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में कि ये जो प्रोडक्ट है वो जालंधर में मैन्युफैक्चर होता है, तो जालंधर से हमको डायरेक्ट बना कर भेजा गया है ताकि हम अपने प्रोडक्ट को सेटिस्फाई कर सकें। होप्स हो कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, साथ ही साथ अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को।